बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अज़ीज़ गोंदल, एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फैसल टाउन फेज़ टू इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और आज की हमारी जो वीडियो है वो भी नाज़रीन फैसल टाउन फेज़ टू के हवाले से है और इसमें जो ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया गया है उसके हवाले से कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जिसमें हम इंशाल्लाह आज आपको ये बताएँगे कि ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर प्लॉट के साइज़ कितने जो है वो कितने रखे गए हैं और अगर जो उसकी प्राइसेस हैं उनको इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। नाज़रीन फैसल टाउन फेज़ टू जो है इसकी लोकेशन की बात की जाए तो आपकी जो एम टू मोटरवे से ठलियाँ इंटरचेंज से नाज़रीन इसकी लोकेशन जो है आपकी स्टार्ट होती है और ये जो मेन आपका मोटरवे है उसके साथ इसका एक बहुत बड़ा फ्रंट जो है वो इसके साथ लगता है। फैसल टाउन फेज़ टू के अंदर नाज़रीन इस वक्त ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें 5 मरला 8 मरला 10 मरला 14 मरला 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। आप स्क्रीन के ऊपर जो है इसका पेमेंट प्लान देख सकते हैं। 5 मरले का जो प्लॉट है नाज़रीन इसकी 20% से डाउन पेमेंट है, रिमेनिंग अमाउंट आपने 5 साल की आसानी के साथ में पे करनी है। इसी तरह जो बाकी प्लॉट्स हैं उनका भी सेम यही क्राइटेरिया है। अगर बात करें नाज़रीन ओवरसीज़ ब्लॉक की तो ओवरसीज़ ब्लॉक की एक छोटा सा क्लिप जो मैं ग्रुप वीडियो के अंदर ऐड करूंगा, जिसमें चौधरी मजीद साहब बता रहे हैं कि जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है। आप पहले नाज़रीन ये क्लिप देखें और उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ये देखें, ये नक्शा जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये देखें, ये रेड रेड के अंदर ओवरसीज ब्लॉक है, ये रेड, ये देखें हमने ओवरसीज ब्लॉक को जे भी ओवरसीज ब्लॉक लिखा है, जे भी लिखा है। इसका अपना बहुत बड़ा मरकज है, 7 कमर्शियल एरिया है इसके, अपने पार्क, अपने स्कूल, हर चीज इसकी अपनी है, किसी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप इधर से आए तो सीबीडी से 1 मिनट की ड्राइव पे आ सकते हैं, कि ये हर तरफ से 1 मिनट है। सबसे करीब जो सरदार साहब ने भी कहा था कि उतर के 1 मिनट की ड्राइव पे आप आ सकते हैं, अगर इस रूप से रास्ता हुआ तो 1 मिनट में आ सकते हैं। नाज़रीन आपने वीडियो क्लिप के अंदर देखा है कि जैसे वो बता रहे हैं कि जैसे ही आपने ठलिया इंटरचेंज से उतरना है तो सामने आपका ये जो ओवरसीज़ इनक्लेव जो है वो आ जाएगा। अब रिसेंटली जो है नाज़रीन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ देर पहले जो है कुछ रियलेटर्स को साइट के ऊपर जो है वो विज़िट करवाया गया और मेरी जो बात हुई वो चूँकि ठलिया इंटरचेंज वाली साइट से जो बनना शुरू हो गया तो जो विज़िट करवाया गया था वो विज़िट जो है वो आपका जो रिंग रोड की पैच आपका जो है वो कटिंग हो चुकी हुई है उसके ऊपर आप जो है वो उन्होंने विज़िट करवाया और दिखाया कि साइडों के ऊपर जो है फैसल टाउन फेज़ टू जो है उसकी लोकेशन आ रही है। और इसमें नाज़रीन बात करें अगर डेवलपमेंट की तो मैनेजमेंट की तरफ से चूँकि मेन उनका फोकस था कि लैंड हम प्रोक्योर करें और जिस जगह के ऊपर हम लोग जो ये सोसाइटी बनाने जा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर आबाद करें ताकि जो लोग यहाँ पे रिहायश पजीर होंगे उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। नाज़रीन अगर बात की जाए चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स की तो इससे पहले इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलप करके टाइम से पहले पहले जो हैं वो लोगों को हैंडओवर किए हैं और जिनमें इनके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें E11 है, इसी तरह फैसल टाउन फेज़ 1 है, फैसल रेजिडेंशिया है, फैसल हिल्स है, फैसल मार्गला सिटी है, B17 है, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि तकरीबन नाज़रीन 90% जो है ये डेवलप हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे लोग इस वक्त रह रहे हैं। तो उनका भी मेन फोकस यही है कि अगर हम जो अभी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो इसको इस अंदाज से डेवलप किया जाए कि इन फ्यूचर जो लोग यहाँ पर अपनी रिहाइश रखेंगे उनको आप हर तरह की सहूलियात जो हैं वो एक ही फोरम के ऊपर जो है वो मिले। तो नाज़रीन फैसल टाउन फेज़ टू जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ा अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट हैं चौधरी साहब के उन्होंने उसमें एक स्टेज के ऊपर जाके उनमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ऐड करना ज़रूर समझूँगा क्योंकि प्रीवियसली जो फैसल टाउन फेज़ टू जो है उसमें जिन लोगों ने अपनी बुकिंग कराई थी तो रीसेल के अंदर उनकी फाइल प्रॉफिट पे अभी फ़िलहाल नहीं है तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। आप लोगों को एक चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है उसका टाइम पीरियड उन्होंने 5 साल रखा है तो सोसाइटी ने अगर 5 साल का टाइम आपको दिया तो कम अज़ कम हाफ टाइम जो है वो आप लोग ज़रूर वेट करें
ताकि कुछ टाइम जितना आप वेट करेंगे उसके बाद जाके आपको इसमें प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो नाज़रीन, ओवरसीज़ ब्लॉग का एक और भी इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसमें प्रोजेक्ट की प्राइस जो बताई गई है, इसके अंदर आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपने यही जो है प्रोजेक्ट अपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो मोस्टली कॉस्ट ऑफ लैंड बताई जाती है, लेकिन बाद वाली जो बाद में डेवलपमेंट चार्जेस की मद में नए चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं और जिस वजह से जो हमारे क्लाइंट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फैसल टाउन फेज़ टू, इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें और एक टाइम के बाद जाके आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ टू के नाज़रीन बुकिंग फॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपने बुकिंग करानी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।